टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास नाइन्थ। इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर? डेफिनेशन बड़ी सिंपल डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो इस डेफिनेशन में आपको सीखने को मिलेंगी। कंप्यूटर को अगर हम डिफाइन करें, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा, दैट टेक्स डेटा एज इनपुट मीन कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के तौर पे क्या लेगी, आपसे डेटा लेगी। देन प्रोसेस इट, फिर ये उस डेटा को प्रोसेस करेगी ये डिवाइस, एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट। डेफिनेशन को डिटेल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। दोबारा सुन लें, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट टेक्स डेटा। डेटा को मैंने हाईलाइट किया है, थोड़ा बोल्ड किया है, क्योंकि इस टर्म को आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। व्हाट इज डेटा? एज इनपुट मीन ये डिवाइस इनपुट के तौर पे डाटा लेगी, आप इसको डाटा देंगे इनपुट के तौर पे, फिर ये डिवाइस उस डाटा को प्रोसेस करेगी, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। आउटपुट के तौर पे ये आपको ये डिवाइस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इनपुट के तौर पे डाटा लेगी, डाटा विल बी द इनपुट ऑफ दिस डिवाइस, then this device will process this data, and after processing this device will produce information। जी, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि डेटा हम किसको कहते हैं। व्हाट इज डेटा? इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन की तरफ भी हम आते हैं, बट पहले सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देख लें। डेटा हम किसी भी मीनिंग लेस फैक्ट को कहेंगे, यानी ऐसा फैक्ट, ऐसी हकीकत जिसके मीनिंग का हमें क्लियर ना हो। अब इसको देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय दिस मीनिंग लेस फैक्ट। कोई भी ऐसी हकीकत, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके मीनिंग्स क्लियर ना हो, डेट इज कॉल्ड डेटा। सपोज डेट एक नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 17। Now, ये 17 जो है ना, इट इज अ नंबर डेफिनेटली। अब इस हकीकत को तो हम नहीं झुटला सकते कि ये एक नंबर है, इस फैक्ट को से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि 17 इज अ नंबर। लेकिन अब ये 17 है क्या? व्हाट इज 17? अब ये कुछ भी हो सकते हैं 17, ये किसी चीज की प्राइस हो सकती है। अभी जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा इस बात पे, 17 किसी चीज की प्राइस हो सकती है, 17 किसी चीज की, किसी रूम का नंबर हो सकता है, रूम नंबर। अच्छा, 17 किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, 17 क्वांटिटी हो सकती है किसी चीज की। तो मीन ये 17 कुछ भी हो सकता है ये नंबर, हमें इसके बारे में, इसके मीनिंग्स हमें क्लियर नहीं है। इट इज अ फैक्ट बट इट इज मीनिंगलेस फैक्ट। अच्छा, इस लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उस पे एक छोटी सी असाइनमेंट भी मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले पोस्ट करूंगा। उसको आपने इसी लेक्चर से रिलेटेड, उसमें आपने उस असाइनमेंट को सिंपल वे में लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है? उसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड। तो जो कुछ एग्जांपल्स जो मैं दूंगा, उससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस असाइनमेंट में
आप वो एग्जाम्पल्स दे सकें। जैसे डाटा की एक एग्जाम्पल मैंने दी आपको 17, कोई भी नंबर, तो वो नंबर जो है डेट इज मीनिंगलेस फैक्ट, फैक्ट है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है। अभी देख लें आप, क्योंकि वो नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, 17 किसी चीज की अगेन प्राइस हो सकती है, रूम नंबर, रोल नंबर, क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देखें जरा, लेट से यहां पे मैं एक नाम लिखता हूं, सपोज डेट साजिद। Now, साजिद इज अ नेम, साजिद इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। डेफिनेटली इस फैक्ट को तो हम नहीं झुटला सकते कि किसी का नाम है। अब ये किसका नाम है, अगेन वही बात, इसके मीनिंग्स अभी क्लियर नहीं है हमें। सपोज डेट कॉलेज में साजिद एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, इट मे बी अ स्टूडेंट, इट मे बी अ टीचर, इट मे बी वाइस प्रिंसिपल, इट मे बी पीएन एटसेट्रा, ये साजिद कुछ भी हो सकते हैं जी। तो जिस तरह ये 17 है एक नंबर, नंबर है इसके, इस इट इज अ फैक्ट, हकीकत है एक, लेकिन मीनिंगलेस फैक्ट है। साजिद किसी का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन, बट मीनिंगलेस फैक्ट है, फैक्ट है बट मीनिंगलेस फैक्ट है। इसी तरह लेट से मैं कोई डेट यहां पे लिखता हूं, 17 अक्टूबर, 17 जुलाई 2020, सपोज डेट। नाउ अगेन इट इज अ डेट, इट इज अ फैक्ट, इट इज मीनिंगलेस फैक्ट। व्हाई? क्योंकि ये डेट, अब किस चीज की डेट है हमें नहीं पता। ये डेट किसी कॉलेज की एडमिशन डेट भी हो सकती है, किसी मेडिसिन की कॉलेज की एडमिशन डेट, एडमिशन की स्टार्टिंग डेट, किसी कॉलेज की एडमिशन की क्लोजिंग डेट हो सकती है, किसी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट हो सकती है, किसी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है जी। अगेन मीनिंगलेस फैक्ट, थ्री एग्जांपल्स मैंने अभी कोट की हैं मीनिंगलेस फैक्ट्स की। तो दीज मीनिंगलेस फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा। तो अगर हम डेटा को डिफाइन करें इस टर्म को, इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो जरा देखिएगा। डेटा को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, दी फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इज कॉल्ड या इज नोन एज डेटा। मैं इस बुकिश डेफिनेशन को भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी हम इस सिंपल डेफिनेशन की ही बात करेंगे। तो इसी को पहले आप अच्छी तरह समझ लें, ज्यादा बेहतर है। तो डेटा को हमने क्या कहा जी, इट इज मीनिंगलेस फैक्ट। ओके, ये एग्जांपल्स हमने ले ली, ये डेफिनेशन हमने कंप्लीट करनी है आज इंशाल्लाह। डेटा के बाद इंफॉर्मेशन जो है टर्म, इसको जरा देखें, हाउ वी कैन डिफाइन इंफॉर्मेशन इन सिंपल वे। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से डेटा को हमने कहा कि मीनिंगलेस फैक्ट है, तो ये क्या है जी, मीनिंगफुल फैक्ट। मीनिंगफुल फैक्ट मीन कोई ऐसा फैक्ट जिसके मीनिंग्स हमें क्लियर हों, हूज मीनिंग्स आर क्लियर। तो उस फैक्ट को जिसके मीनिंग्स का हमें पता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। उसको इंफॉर्मेशन क्यों कहेंगे अभी देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो फैक्ट जो होगा वो हमें कुछ इन्फॉर्म करेगा। इंफॉर्मेशन होती डेटा ही है, इसको अगर हम थोड़ा प्रिसाइजली डिफाइन करें, इट इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म। प्रोसेस्ड फॉर्म इसको क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं। तो पहले यहाँ पे इन एग्जांपल्स को जरा देखें, ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मैंने दी डेटा की, 17, साजिद और ये डेट, इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं। लेट्स से हम इस तरह से कर सकते हैं कि 17 के साथ हमें सेंटेंस ऐड कर दें,
suppose that 17 number of students in class 10th या in class 9th. तो अब ये sentence add करने से क्या हुआ, ये data जो है ये meaningful हो गया. Now this whole sentence is meaningful fact. तो दिस होल सेंटेंस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. अब ये डाटा हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है. तो चूंकि ये हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. यानी कोई भी डाटा जो हमें किसी भी फॉर्म में डाटा हो जो हमें कुछ इन्फॉर्म करे, डेट विल इन्फॉर्म अस अबाउट समथिंग, दैट डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसी तरह आपके पास ये जो साजिद है, इसमें हम साजिद को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसके साथ सेंटेंस ऐड करते हैं, साजिद इज अ स्टूडेंट ऑफ FCS. तो ये अब क्या बन गया, ये सेंटेंस हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन गया, एंड अप टू सो ऑन. तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल है आपकी रियल लाइफ से डेटा और इंफॉर्मेशन की. यानी मीनिंगलेस फैक्ट जो है डेट इज डेटा, और जो मीनिंगफुल फैक्ट है डेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड कर लें जो आगे हमारे डिस्कशन में आएगी, वो ये कि इस इंफॉर्मेशन को जो हमने ली, जो हमें कंप्यूटर ने प्रोवाइड की, इस इंफॉर्मेशन को आगे हम फर्दर यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए. अभी देखिएगा इंशाल्लाह ये इसमें आपका एक सीक्वेंस बनेगा. मीन हमारे पास डाटा होगा, वो डाटा हम कंप्यूटर को देंगे. अभी तक जो हमने बात की, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करेगा. ओके, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के तौर पे क्या देगा, इंफॉर्मेशन, यानी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा हमें देगा. उस इंफॉर्मेशन को हम आगे किस लिए यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए. ये सीक्वेंस अभी आपको फिलहाल समझ आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप. फिर उसके बाद डाटा को हमने डिफाइन कर लिया, इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर लिया. अच्छा, कंप्यूटर की तरफ जाने से पहले हम पहले रियल लाइफ में मैनुअल एग्जांपल को पहले फोकस करेंगे. नाउ सपोज दैट, एक बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको ये सीक्वेंस समझने में मदद मिलेगी. तो लेट से माय नेम इज रिजवान लतीफ एंड आई एम टीचिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम प्रीवियस 10 ईयर्स. यानी 10 साल से मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ. तो अगर मैं आपको इन अपने 10 ईयर्स का डेटा प्रोवाइड कर दूं, जरा फोकस कीजिएगा एग्जांपल पे, 10 ईयर्स का डेटा आपको दे दूं, सपोज डेट, ये देखिएगा जरा, ये मैं डेटा आपको देने लगा हूं अपना. सपोज डेट 2010 में मेरा रिजल्ट था 90%, 2011 में मेरा रिजल्ट था 96%, 2012 का रिजल्ट 93%, एंड अप टू सो ऑन. ये डाटा मेरे पास जो है ये 2019 तक का डाटा है. 2019 में लेट से रिजल्ट था 96%. ये है मेरा डाटा जो मैंने आपको अपने बारे में प्रोवाइड कर दिया. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल. मैनुअली हम इसको लेके चलेंगे. ये डाटा अगर मैं आपको दे दूं अपने 10 ईयर्स का, तो आप इस डाटा को डेफिनेटली मैनुअली प्रोसेस करेंगे. सपोज डैट आपने इस डाटा को प्रोसेस किया. कैसे प्रोसेस किया, आपने इन मेरे 10 ईयर्स के रिजल्ट्स को ऐड किया परसेंटेज को और 10 पे डिवाइड कर दिया. तो वो डिवाइड 10 ईयर्स के रिजल्ट्स की परसेंटेज को ऐड करके 10 पे डिवाइड करने से, यानी इस प्रोसेसिंग के बाद, सपोज डैट 90% रिजल्ट है मेरा फर्स्ट 2010 का, प्लस 96% रिजल्ट है 2011 का, प्लस 93% रिजल्ट 2012 का, प्लस अप टू सो ऑन, ये मेरे पास लास्ट ईयर 96%. तो इस कंप्लीट रिजल्ट को आपने 10 पे डिवाइड कर दिया. दिस इज प्रोसेसिंग, इन तमाम ईयर्स के रिजल्ट्स को ऐड करना और 10 पे डिवाइड करना. अभी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल को मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं. कंप्यूटर को अभी हमने बीच में ऐड नहीं किया, कंप्यूटर की तरफ अभी हम जाते हैं. फिर उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर को हम किस लिए यूज करते हैं, कहाँ पे कंप्यूटर हमारी हेल्प करते हैं. अभी तो मैन्युअली हम देख रहे हैं कि डाटा था हमारे पास, हमने उसको पेपर पेंसिल की मदद से प्रोसेस कर लिया, कैलकुलेटर की मदद से हमने प्रोसेस कर लिया, और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आई,
आपके पास इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन आ गई, मेरे उन 10 ईयर्स का एवरेज रिजल्ट आ गया, एवरेज परसेंटेज लेट से डेट इज 92%। दिस इज इंफॉर्मेशन। नाउ देखिए ना, ये डाटा है 10 ईयर्स का, ये आपने प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन आ गई 92%। तो बच्चे अब ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ बता रही है। अच्छा देखिए, है ये भी डाटा, ये जो 92% ये जो वैल्यू है ये भी डाटा। जैसे ये डाटा है 2010 का, 11 का, तो ये भी डाटा है प्रोसेसिंग के बाद जो आया, लेकिन ये प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है, प्रोसेसिंग के बाद आई। और एक और बात कि ये डाटा आपको कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं मेरे बारे में, 10 ईयर का रिजल्ट्स बता के बारे में बता रहे हैं, मीनिंग आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं डाटा कि मैं सपोज डेट इस वैल्यू की बेस पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, रिजल्ट अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे, इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो आपने डेटा से प्रोड्यूस की, आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सोचें कि डिसीजन आपका क्या होगा। इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कि जी 92% रिजल्ट है पिछले 10 साल का, प्रीवियस 10 ईयर्स का, तो ये वैल्यू आपको इन्फॉर्म कर रही है कि टीचर अच्छा है, तो डिसीजन आपका ये होगा कि आप इससे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी आपका डिसीजन है कि आप इस टीचर से कोचिंग लेंगे, तो इट इज योर डिसीजन, यानी सपोज डेट ओके, इट इज योर डिसीजन, या आई विल प्रेफर दिस टीचर, दिस इज योर डिसीजन। अच्छा अगेन इसी एग्जाम्पल को देखें एक और अंदाज से, सपोज डेट अगर आपके पास मेरे बारे में 10 ईयर्स का डाटा हो, लेट से 2010 का डाटा है, 40% रिजल्ट, ये जी 36% रिजल्ट, 23% रिजल्ट, 26% सपोज डेट, तो अब जब आप इस डाटा को आपने लेट से प्रोसेस किया, तो प्रोसेसिंग के बाद आपको जो मेरा एवरेज रिजल्ट मिला डेट इज लेट से 32 या 33%। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली मेरे बारे में, ये वैल्यू आपको इन्फॉर्म कर रही है कि टीचर इतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपका डिसीजन क्या होगा, डिसीजन आपका डेफिनेटली डिफरेंट होगा, चेंज होगा कि जी आई विल नॉट प्रेफर दिस टीचर। तो ये आपका जो डिसीजन है, डिसीजन आपका लाइफ में कोई भी डिसीजन आपने लेना हो, तो वो डिसीजन आपका इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है। देखिए इसको बैक लिंक करें, और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, डेटा से आती है। कैसे आती है, बाय अप्लाइंग सम प्रोसेसिंग। तो अब इस एग्जाम्पल को माइंड में रख के आप जरा दोबारा इस सीक्वेंस पे आए और इस डेफिनेशन पे आए। डेटा होगा आपके पास, मैनुअली अगर हम बात करें, हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद हम वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आएगी उसकी बेस पे फिर हम आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी यू कैन से डेट कि डिसीजन डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन, डिसीजन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेटा। अच्छा अब इस सारी सिचुएशन में हम कंप्यूटर को यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए हम डेटा को मैनुअली भी प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को मैनुअली प्रोसेस करके हम वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज डेट कि जब डेटा की अमाउंट बढ़ जाए, डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो उस केस में हम उस डेटा को, इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनुअली टाइम पे प्रोसेस नहीं कर सकते। ये जरा देखिएगा, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन हमारा ये है कि हम डेटा को मैनुअली प्रोसेस कर सकते हैं तो हम कंप्यूटर को यूज क्यों करते हैं? तो उसका आंसर ये है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, व्हाई वी यूज कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। एक बात तो कंफर्म होगी कि डेटा को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। आप ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, बैंक्स में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कहीं पे भी देख लें, डेटा प्रोसेस किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन ली जाती है और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स और भी मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो कंप्यूटर को हम यूज क्यों करते हैं? कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा टाइमली एंड एक्यूरेटली, वेरी सिंपल आंसर। यानी कंप्यूटर को इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम टाइमली और एक्यूरेटली मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते। आप
ये भी पहले ऐड कर लें कि वी कैन नॉट प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्यूरेटली एंड टाइमली टाइमली वी कैन नॉट प्रोसेस वी कैन नॉट मैनुअली प्रोसेस मैनुअली यानी मैनुअली मीन की पेपर पेंसिल की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्यूरेटली और टाइमली प्रोसेस करना चाहें मैनुअली तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए डेटा का एक्यूरेटली प्रोसेस होना जरूरी है, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा अगर एक्यूरेटली प्रोसेस नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं आएगी। जब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं आएगी तो आपका डिसीजन एक्यूरेट नहीं होगा। और इसी तरह अगर डेटा टाइम पे प्रोसेस ना हुआ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा अगर टाइम पे प्रोसेस नहीं होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलेगी, और जब इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलेगी तो आप टाइम पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी है आपने कि इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए चूंकि आप मैनुअली हम ये काम टाइम पे नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को टाइमली और एक्यूरेटली प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसलिए देयरफॉर वो यूज कंप्यूटर, ठीक है, टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को तो हम मैनुअली प्रोसेस कर लेते, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ज्यादा डाटा हो तो उसको फिर डेफिनेटली प्रोसेस करने के लिए हमें कंप्यूटर की हेल्प लेना पड़ती है। तो यहां तक जो बात हमने डिस्कस की है इस लेक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कंप्यूटर को डिफाइन किया, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, इनपुट के तौर पे हम इसको डाटा देंगे, फिर ये क्या करेगी उस डाटा के साथ, उसको प्रोसेस करेगी, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। फिर हमने कहा कि जी हम डाटा जो देंगे वो प्रोसेस होगा, वहां से इंफॉर्मेशन आएगी, और फर्दर मोर जो हमें याद रखना है वो ये कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। मीन कोई भी डिसीजन आपने लेना है तो वो इंफॉर्मेशन के बगैर आप नहीं ले सकते। फिर इसके बाद हमने एक डाटा को डिफाइन किया, मीनिंगलेस फैक्ट, एग्जांपल्स कुछ ली उसकी, जैसे नंबर है कोई, उसके मीनिंग्स हमें नहीं पता, नेम है कोई, डेट है, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने कहा कि इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, और फिर उसके बाद या मीनिंगफुल फैक्ट। अच्छा, अब इस मीनिंगलेस फैक्ट को अगर हम मीनिंगफुल बना लें बेसिकली, तो इसका मतलब है कि उसको हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने डेटा को मीनिंगफुल बनाया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया बाय एडिंग सेंटेंस। ये हमारी प्योर मैथमेटिकल एग्जांपल है जिसमें हमने डेटा लिया एक टीचर का 10 ईयर्स का, उसको हमने प्रोसेस किया, वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट की दो डिफरेंट वेज में, तो उसकी बेस पे फिर हमने डिसीजन लिया। फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अगर हमने प्रोसेस करना है ताकि हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकें, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को यूज़ करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैन्युअली अगर हम ये काम करने की कोशिश करेंगे तो कर तो लेंगे मे बी डेफिनेटली, लेकिन टाइम पे नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डाटा है तो उस पर हमें हफ्ते महीने भी लग सकते हैं। जैसे बैंक में ट्रांजेक्शन्स होती हैं कस्टमर्स की, हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो इतने सारे डाटा को अगर आप टाइम पे प्रोसेस करने की बात करें मैन्युअली तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, और ये बात भी याद रखनी है कि डाटा को प्रोसेस तो हमने करना है, क्योंकि वहाँ से उसको प्रोसेसिंग के बाद वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी है, और उसके बाद फिर उसकी बेस पर हमने डिसीजन लेना है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी इंशाल्लाह हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करेंगे। बहरहाल सपोज डैट आपकी जो अटेंडेंस है पूरे मंथ की, कंप्लीट मंथ की, डैट इज डेटा, मेरे पास वो अटेंडेंस हो आप लोगों की 30 डेज की, तो वो मेरे पास आपका क्या है, डेटा है। अब देखें, अब लेट्स से क्लास में आता हूँ मैं और किसी एक्स वाई जेड स्टूडेंट को मैं
उसके अगेंस्ट एक डिसीजन लेता हूँ स्टॉक ऑफ का, तो वो डिसीजन मैं ऐसे नहीं ले सकता। कोई भी डिसीजन आप इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं ले सकते। सपोज डेट कोई एक स्टूडेंट है कासिम, मैं क्लास में आता हूँ और उसको कहता हूँ जी कि आपको मैंने स्टॉक ऑफ कर दिया। नाउ स्टॉक ऑफ करना एक डिसीजन है, तो उसके लिए मेरे पास कासिम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मीन उसकी एबसेंटीज की परसेंटेज होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो एबसेंटीज की परसेंटेज कहाँ से आएगी? वो डाटा से आएगी। मेरे पास पहले नंबर पे, तो फर्स्ट स्टेप में तो मेरे पास डाटा होगा। व्हाट इज डाटा? इस एग्जांपल में डाटा क्या है? आपकी पूरे मंथ की, कंप्लीट मंथ की अटेंडेंस, दैट इज डाटा। लेट्स से हमने एक वन मंथ के बाद डिसीजन लेना है। क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि जिस स्टूडेंट की एबसेंटीज की परसेंटेज 40% से ज्यादा है, मीन 40% से ज्यादा एबसेंटीज हैं, उसको हमने स्ट्रक ऑफ करना है। नाउ हियर स्ट्रक ऑफ करना डिसीजन है, तो पहले तो मेरे पास डाटा होगा अटेंडेंस, उसको मैं प्रोसेस करूंगा, हर स्टूडेंट के डाटा को सेपरेटली प्रोसेस करूंगा। अगर मैं मैन्युअली कर रहा हूँ तो उस स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की एबसेंटीज की परसेंटेज निकालूंगा। दिस इज इंफॉर्मेशन। लेट्स से कासिम की एबसेंटीज हैं 50%। अब ये जो 50% एबसेंटीज हैं, एबसेंटीज की जो वैल्यू है परसेंटेज, ये मुझे इन्फॉर्म कर रही है क्या कि मुझे इसे स्ट्रक ऑफ करना है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे, तो उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे मैं कासिम को स्ट्रक ऑफ कर दूंगा। लेट्स से कोई स्टूडेंट है साजिद, उसकी एबसेंटीज की जो परसेंटेज वैल्यू है वो आई 30%। अब ये 30% वैल्यू जो है ये मुझे बता रही है कि आपने साजिद को स्ट्रक ऑफ नहीं करना, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है कि 40% से अबव जिसकी एबसेंटीज है उसको हम स्ट्रक ऑफ करेंगे। तो इस सिनेरियो में अब हमारे पास देखें, स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है, डेटा है, उसको हमने प्रोसेस किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, उस पर एवरेज निकाली हर स्टूडेंट की, एवरेज वैल्यू जो आई वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें इन्फॉर्म कर रही है कि हमें उसके अगेंस्ट वो डिसीजन लेना है या नहीं लेना, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हमने अपना फर्दर डिसीजन जो भी हमें लेना है, उसको स्टॉक ऑफ करना है नहीं करना, वो डिसीजन हम लेंगे। लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं। अब इसके अलावा लेट्स से अभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, ये भी एक डिसीजन है, वो भी इन्फॉर्मेशन की बेस पे होगा। स्टूडेंट का डाटा होगा लेट्स से हमारे पास, सपोज डेट एग्जाम का डाटा होगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे, वहां से हम परसेंटेज निकालेंगे मार्क्स की, वो जो मार्क्स की परसेंटेज आएगी वो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें बताएगी कि स्टूडेंट को आपने स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। तो किसी भी सिचुएशन में, रियल लाइफ में, कहीं पे भी कोई भी डिसीजन आपने लेना हो तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो डेटा से आती है। अब इस सारी सिचुएशन में कहीं पे भी आपको अगर डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना पड़ जाए, लेट से 5000 स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, अज्यूम डेट, और उनका पूरे वन ईयर की अटेंडेंस का डाटा है। अब इतना सारा डाटा, पूरे एक साल की अटेंडेंस, 5000 स्टूडेंट्स, उनको आप मैन्युअली प्रोसेस कर सकते हैं, नो डाउट, बट इट विल टेक ह्यूज टाइम एफर्ट, और उसमें एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में, ताकि हम उसको जल्दी से एक्यूरेटली प्रोसेस कर लें और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी और टाइम पे होगी, मिलेगी, फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम एज अ ह्यूमन हम वो डिसीजन ले सकते हैं। इस लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पे हमने बात की, डेटा पे हमने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंफॉर्मेशन पे हमने बात की, फिर हमने देखा कि इंफॉर्मेशन को हम किस लिए यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब कोई अगर आपसे पूछे कि बेसिकली डेटा, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन, ये भी ऐड कर लें, डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, इसका काम है डेटा को प्रोसेस करना। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर जगह पे, कहीं पे भी आप कंप्यूटर को देखें, उसका यही काम है, बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में, डेटा को प्रोसेस करना और वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट करना, टाइम और पे और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जनरेट करना, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन ले सकें। तो इस लेक्चर को आपने तवज्जो से एक दो दफ़ा सुनना है जी। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, इनसे मिलती जुलती एक छोटी सी असाइनमेंट, या आफ्टर टू लेक्चर्स एक छोटी सी असाइनमेंट मैं पोस्ट करूँगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
इस लेक्चर में तो जस्ट हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, कंप्यूटर की डेफिनेशन पे बात की है, और उसकी कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको कोट की है, अपनी जो रियल लाइफ एग्जांपल है टीचर्स से रिलेटेड, उसमें उसके अलावा आपके पास एक अटेंडेंस वाली एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस की, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इट इज़ डेटा, उसके बाद हर स्टूडेंट की जो एबसेंटीज की एवरेज है डेट इज़ इंफॉर्मेशन, और वो कैसे आएगी प्रोसेस करने के बाद, और आफ्टर डैट आप उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर पे, उसकी टाइप्स पे बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।